सैमसंग आज भारत में अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स गैलेक्सी S9 और गैलेक्सी S9 प्लस को नई दिल्ली में एक इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। इन स्मार्टफोन्स को सबसे पहले पिछले महीने MWC 2018 के दौरान लॉन्च किया गया था। इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग सैमसंग के आधिकारिक वेबसाइट से की गई। गैलेक्सी S9 की ग्लोबल लॉन्चिंग के बाद अगले हफ्ते ही भारत में लॉन्च किया जा रहा है। आमतौर पर सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज के अपने स्मार्टफोन्स को ग्लोबल लॉन्चिंग के एक महीने बाद भारत में उपलब्ध कराता है, लेकिन इस बार रणनीति बदली हुई सी नजर आ रही है। भारत में पहले से ही इन स्मार्टफोन्स के लिए सैमसंग इंडिया के ऑनलाइन स्टोर पर भी प्री बुकिंग की जा रही है। गैलेक्सी S9 और गैलेक्सी S9 प्लस के लिए प्री बुकिंग ₹2000 देकर की जा सकती है। दुनिया भर में गैलेक्सी S9 और गैलेक्सी S9 प्लस को 16 मार्च से उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीद है कि भारतीय बाजार के लिए भी इसी तारीख को चुना जाए। MWC 2018 के दौरान सैमसंग ने फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S9 और गैलेक्सी S9 प्लस को लॉन्च किया था। इस लॉन्च के वक्त इन स्मार्टफोन्स की भारतीय कीमत का खुलासा नहीं किया गया था। हालांकि कुछ दिन पहले इनकी कीमतों के संबंध में कुछ जानकारियां सामने आई हैं। इस बार ग्राहकों को इन नए स्मार्टफोन्स के लिए पुराने मॉडलों गैलेक्सी S8 और गैलेक्सी S8 प्लस की तुलना में ज्यादा भुगतान करना होगा। इस बार ग्राहकों को मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस MOP और मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP दोनों के हिसाब से कम 60,000 रुपीस का भुगतान करना पड़ सकता है। भारत में गैलेक्सी S9 के 64 GB वेरिएंट की कीमत ₹62,500 और 256 GB वेरिएंट की कीमत ₹71,000 रखी जा सकती है। वहीं गैलेक्सी S9 प्लस के 64 GB वेरिएंट की कीमत ₹70,000 और 256 GB वेरिएंट की कीमत ₹79,000 रखी जा सकती है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।